हेलो फ्रेंड्स हव आर यू यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल ला एजुकेशन आई एम योर फ्रेंड सत्यनारायण आई एम ए 2019 बैच आईपीएस ऑफिसर एंड फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान द प्रोसेस बाय विच द मॉडर्न स्टेट ऑफ राजस्थान विच वॉज अर्लियर नॉन एज राजपुताना केम इन टू एग्जिस्टेंस सो हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो राजपुताना के अलग अलग जो डिफरेंट प्रोविंशियल स्टेट्स थे या फिर जो देसी रियायतें जिनको हिंदी में कहते हैं उनका किस तरीके से जो है वो आज़ादी के बाद एकीकरण हुआ और किसने जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया तो हम सभी जानते हैं कि जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त के सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका भारत के इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा रोल है और उनके सेक्रेटरी थे वीपी पी मैनन साहब ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं कॉर्नर में ही इज़ वीपी पी मैन एंड इन्होंने एक बुक लिखी है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया सो so, किस तरीके से जो है वो आ, पूरे भारत को एक किया गया पूरे जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको किस तरीके से जो है वो, उनका मर्जर किया गया इंडिया में उसी बुक के अकाउंट्स पे बेसिस पे हम जो हैं हमारा डिस्कशन रखने वाले हैं आज तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो आई होप दैट दिस वीडियो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फ़ॉर आर जो अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी डिफरेंट एग्जाम uh, की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिस कैन ऑल्सो बी यूज इन योर मैनस आंसर आंसर राइटिंग एज वेल आपको ये जो है वो यू में भी हेल्प कर सकता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे राजपूताना जो था उसमें 19 सेल्यूट स्टेट्स थे और तीन जो है वो नॉन सेल्यूट स्टेट्स थे बेसिकली ये ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी डिवाइस करी थी कि कोई भी जो उनका प्रिंसली स्टेट है मतलब जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते थे वो वहाँ के राजा को रूल करने के लिए अनुमति देते थे बट जो ओवरऑल जो एक सॉवरेनिटी होती थी वो ब्रिटिशर्स की रहती थी यानी कि राजा जो है वो क्राउन के नाम पे रूल करेगा वो खुद अपने नाम पे रूल नहीं करेगा वो सिर्फ़ एक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता था ब्रिटिश क्राउन का और उन्होंने ये डिवाइस किया था कि जो राज्य जितना इम्पोर्टेंट है या जिसकी जितनी इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से उन्होंने सैल्यूट की तीन तोपों की सलामी दस तोपों की सलामी और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो था वो इक्कीस तोपों की सलामी तो बेसिकली उसको गन सैल्यूट कहते हैं तो इस तरह के जो स्टेट्स थे उनकी संख्या नाइनटीन थी और जो नॉन सैल्यूट स्टेट्स थे उनकी संख्या तीन थी और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो जो एक सिर्फ़ अजमेर वाला जो पार्ट है अजमेर मरवाड़ा के नाम से उसको जाना जाता था ये सिर्फ डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश रूल्ड स्टेट था बाकी सारे जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स थे सो ये हमारा क्लियर हो गया अब हम बात करते हैं कि आ, किन किन स्टेजेस के थ्रू जो है वो मॉडर्न राजस्थान केम इन टू एग्जिस्टेंस या आ, क्या क्या वो स्टेजेस थे किन किन राज्यों को मिला के और आ, किस किस तरीके से जो है वो राजस्थान अपने मूल स्वरूप में आया तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ वो था मत्स्य यूनियन का तो जो ईस्टर्न राजस्थान के जो चार स्टेट्स थे उस वक्त के बड़े स्टेट्स थे अलवर और भरतपुर और करौली और धौलपुर जो है वो रिलेटिवली थोड़े छोटे स्टेट्स थे अलग अलग यहाँ पे राजा रूल करते थे तो सबसे पहला जो यूनिफिकेशन हुआ वो इन चार स्टेट्स का मर्जर किया गया इस वीडियो में हम मत्स्य यूनियन की फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे बाकी जो फर्दर प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे तो मत्स्य मतलब यूनियन का फॉर्मेशन हुआ आपका अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर अगर आपको इसको इजीली याद रखना है तो आप ए बी सी डी याद रख सकते हैं ए बी सी डी में आप करौली को सी कर दें के को तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल तो ए बी सी डी अलवर भरतपुर करौली धौलपुर इसके बाद में आ, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उस वक्त के जैसे कि आपका कोटा है बूंदी है बांसवाड़ा है डूंगरपुर है झालावाड़ है प्रतापगढ़ है शाहपुरा और टोंक और किशनगढ़ इन राज्यों को मिलाकर एक फर्स्ट राजस्थान यूनियन बनाया गया क्योंकि ये जो भी जितने भी यहाँ पे बांसवाड़ा बूंदी डूंगरपुर ये सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे पॉलिटिकली या इनके जो है वो पॉलिटिकल रेलेवेंस उतनी बड़ी नहीं थी जोग्राफिकली वो इतने बड़े नहीं थे इसलिए जो रूलर ऑफ़ कोटा है उस वक्त के और जो रूलर ऑफ़ झालावाड़ है इन लोगों ने कहा कि भाई हम जो है वो इंडिया में मर्जर कर लेते हैं अपना तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर पॉपुलेशन एज़ वेल एज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हम जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आना चाहते हैं तो नेगोशिएशंस हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के बीच में और सरदार पटेल और वीपी मेनन साहब ने इन रूलर्स के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स शेयर किया एंड फिर उसके बाद फाइनली जो फर्स्ट राजस्थान यूनियन बना उसमें ये सारे स्टेट्स थे आपके फिर इसके बाद में जब आ, जो ऊपर वाले जो स्टेट्स जब इनका मर्जर हो रहा था साइमल्टेनियसली उदयपुर जो है वो उस वक्त की बड़ी रियासत थी और उदयपुर का जो किंग था उनकी एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस थी बिकॉज वो महाराणा प्रताप के वंशज थे यानी कि महाराणा कुंभा महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप इनके वंशज थे उदयपुर का जो मेन जो हिस्सा था वो मेवाड़ वाला था तो उनकी जो टर्म्स और कंडीशंस थी कि जिन कंडीशंस के आधार पर वो इंडिया में मर्ज करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट थी इसलिए आ, जो ऊपर वाले स्टेट्स जब फर्स्ट राजस्थान यूनियन बना उस टाइम पे इसका इंक्लूजन नहीं हो पाया लेकिन कुछ दिनों बाद में जो है वो उदयपुर का भी उसमें मर्जर हो गया तो इस तरीके से जो है वो ये आ, फर्स्ट बड़ा राजस्थान बन गया फिर आ, ये इतने स्टेट्स का मर्जर होने के बाद में आपके जो जयपुर जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर जो हैं ये काफ़ी बड़े बड़े स्टेट्स थे जयपुर अपने आप में काफ़ी बड़ा था जोधपुर जो है वो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट था बीकानेर भी जो है वो काफ़ी बड़ा था जोग्राफिकली ये राज्य जो हैं वो बाद में राजस्थान में शामिल किए गए तो जब इन राज्यों का मर्जर हो गया तो उसको नाम दिया गया ग्रेटर राजस्थान यानी कि वृहत राजस्थान और फिर फाइनली जो है वो आ, जो ग्रेटर राजस्थान बना उसमें मत्स्य यूनियन का मर्जर कर दिया गया यानी कि विलय कर दिया गया तो इस तरीके से जो मॉडर्न राजस्थान है दैट केम इन टू एक्जिस्टेंस बाद में सिर्फ एक राज्य बच गया था सिरोही जिसको एड कर दिया गया अब हम बात करते हैं कि मत्स्य यूनियन की फॉर्मेशन कैसे हुई आ, आगे वीडियोस में जो है हम बात करेंगे कि पूरा ओवरऑल प्रोसेस क्या था लेकिन आज हम बात करते हैं सबसे पहले मत्स्य यूनियन की तो सबसे पहले बात करते हैं अलवर की अलवर जो है वो राव प्रताप सिंह थे एक राजा इनके द्वारा फाउंड किया गया था 1770 में ये जो जयपुर के जो कछवाहा शासक थे इन्हीं के एक ब्रांच थी नरू का ब्रांच और ये पहले माचेरी में रहते थे माचेरी जगह थी वहाँ से फिर जो है वो इन्होंने अलवर की स्थापना की सन 1770 में और 1803 में ये जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इन्होंने जो है वो संधि कर ली उस टाइम के जो महाराजा थे उन्होंने एंड ही एक्सेप्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और उन्होंने जो है वो एक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस की ट्रीटी इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कर ली थी इन एटीन और जो 1947 के टाइम पे जो इनके रूलर थे उनका नाम था तेज सिंह जी बहादुर तो ये जो है वो 1937 में अलवर के राजा बने थे और जो भारत सरकार ने या जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो उन्होंने नेगोशिएशन इन्हीं के साथ करे थे अलवर को मर्ज करने के लिए फिर हम बात करते हैं भरतपुर की जो दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेट था भरतपुर आप सब लोग जानते हैं कि जो है यहाँ के जो शासक थे वो जाट शासक थे और इनको जो है इनका फाउंडर माना जाता है चूड़ामण जाट को ये सिंसिनवार जो एक आ, सब ब्रांच है जाटों की सिंसिनवार जाट ये कहलाते हैं चूडामण एंड ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले भरतपुर की स्थापना की लेकिन भरतपुर को जो इसकी ग्लोरी है उसके पीक तक पहुंचाया महाराजा सूरजमल ने आप सब लोगों ने सुना होगा कि महाराजा सूरजमल का जो क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था और इन्होंने इवन आगरा को भी जो है वो अटैक किया था और वहाँ से जो आगरा फोर्ट में शाहजहाँ का जो जितना भी गोल्ड वगैरह उन्होंने लगा रखा था वो सब उन्होंने वहाँ से मेल्ट करके और लूट लिया था सो महाराजा सूरजमल के टाइम पर भरतपुर जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस किया और ही लेफ्ट बिहाइंड अ प्रोस्पेरस स्टेट एंड अ फॉर्मिडेबल आर्मी ये सबसे इम्पोर्टेंट जाट क्षेत्र माना जाता है भरतपुर वाला और यहाँ का जो शासक था वो भी काफ़ी लाइक स्ट्रॉन्ग शासक थे एंड इन्होंने जो है वो अंग्रेजी सेना का भी जो एक बार आक्रमण किया इन्होंने भरतपुर का जो किला है काफ़ी मजबूत किला माना जाता है उसको ये उसको भी जो है वो झेल गया जनरल लेक थे अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी सेना की तरफ से उन्होंने जो है वो भरतपुर पर अटैक किया लेकिन किला इनका इतना मजबूत था कि वो उसको भी भेद नहीं पाए देन 1805 में जो है वो इन इन्होंने पहले संधि करनी चाहिए पहले इनकी फ़ाइट हुई भरतपुर के साथ लेकिन 1826 में जो है वो फाइनली भरतपुर भी जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया एंड जो प्रेजेंट महाराजा थे 1947 के टाइम पे उनका नाम था ब्रिजेंद्र सिंह और उन्होंने जो है वो मार्च 1929 में जो है वो गद्दी पे बैठे थे एंड ही वॉज लाइक इन्वेस्टेड विद द रूलिंग पावर्स इन अक्टूबर नाइनटीन थर्टी नाइन क्योंकि उस टाइम पर जो है वो बाल्यावस्था में थे नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में जो है उनकी मात्र ग्यारह साल की आयु थी तो जब वो अठारह वर्ष के प्लस हो गए तो उन्नीस सौ उनतालीस में जो है वो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल करने की पावर्स दे दी तो इस तरीके से महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह जो है वो भरतपुर के शासक थे जिनके साथ भारत सरकार को संधि करनी थी तीसरा है करौली करोली छोटा स्टेट था रिलेटिवली और यहाँ पे जो है वो राजपूतों के एक आ, क्लेन है जादौन तो जादौन लोग जो है वो यहाँ पे रूल करते थे और ऐसा माना जाता है कि ये लगभग जो है वो 1000 हज़ार ए डी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी 1995 में 1817 में जो है वो करोली भी जो है वो सब्सिडी अलायंस के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आ गया था लास्ट आपका बसता है धौलपुर धौलपुर जो है वहाँ की रूलिंग फैमिली है देश वाली ट्राइब वो भी जाट शासक हैं एंड ये पहले जो है वो के जो अलवर जो है अलवर के साउथ में ये लोग रहते थे फिर वहाँ से ये ग्वालियर शिफ्ट कर गए और ग्वालियर से फिर एक गुहाड़ नाम की जगह थी जहाँ पे ये लोग वहाँ से रूल कर रहे थे तो इनकी जो सत्ता थी वो गुहाड़ से चलती थी धौलपुर के जो शासक थे इन एटीन जीरो फ़ाइव द राना वॉज फाइनली रेस्क्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु असाइंड टू हिम द परगनाज ऑफ धौलपुर बाड़ी एंड खेड़ा, विच कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट ऑफ धौलपुर बेसिकली ये जो टाइम था पूरा इस टाइम पे मराठा जो साम्राज्य था वो काफ़ी अपने पावरफुल पीक पे था और मराठा जो रूलर्स थे दे वॉन्टेड टू एक्सपेंड देर टेरिटरीज तो उन्होंने जो आपके जितने भी राजपूत स्टेट्स थे उन सब पे अटैक किया और उससे बचने के लिए जो है वो धौलपुर के शासक ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी एंड इन एटीन जीरो फाइव दे गोट मर्ज विद द ब्रिटिश इंडिया एंड एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन या उन्नीस के टाइम पे जो इनके किंग थे उनका नाम है सर उदयभान सिंह ही वॉज़ असेंडेड टू द थ्रोन इन 1911 इलेवन वो उन्नीस से जो है वो गद्दी पे बैठे थे और उनकी जो थॉट है वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट थी और ये इनका मानना था कि जो है वो किंग्स का जो है वो डिवाइन राइट्स होता है रूल करना तो वो पुरानी सोच के आदमी थे तो इस वजह से जो है वो उनके साथ निगोशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल था जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद अब हम बात करते हैं उन्नीस और उस टाइम के आसपास की देश का जो है विभाजन हो गया था पाकिस्तान और आ, इंडिया दो अलग अलग नए नेशंस बन रहे थे टू टू नेशन की थ्योरी पे जो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपाउंड की थी कि जो है वो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कंट्री होनी चाहिए और हिंदुओं के लिए जो है वो सेपरेट कंट्री होनी चाहिए तो पूरे देश में लगभग जो है वो टेंशन का माहौल था पर्टिकुलरली आपका अलवर और भरतपुर वाला जो रीजन है यहाँ पर थोड़ी कम्यूनल टेंशन ज़्यादा थी यहाँ एक कम्यूनिटी है मेव तो ये मेव जो आ, मुस्लिम कम्युनिटी है ये मुस्लिम सेक्ट है और यहाँ पे जो है वो इनके खिलाफ वॉयलेंस की खबरें जो है वो काफ़ी पहुँच रही थी जो आपका अलवर जो स्टेट है अलवर स्टेट के प्रीमियर होते थे डॉक्टर एन बी खरे तो ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे तो इनका जो है वो थोड़ा सा रवैया जो था वो प्रो हिंदू था और इस वजह से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के पास ऐसी खबरें पहुंच रही थी कि जो मेव मुस्लिम्स हैं इनके खिलाफ जो है वो अटैक किया जा रहा है उनकी जो मस्जिद से उनको तोड़ा जा रहा है उनको भगाया जा रहा है और जो उनके कब्रिस्तान वगैरह जो है वो उनको भी जो है वो डिसट किया जा रहा है तो इस तरीके की जो है वो खबरें उस टाइम पे प्रीवेलेंट थी तो सरदार पटेल ने जो है वो एक मीटिंग बुलाई सारे आ, ऐसे स्टेट्स के राजा जहाँ पर कम्यूनल टेंशन थोड़ी आ, बढ़ रही थी उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई सरदार पटेल ने और दे डिस्कस की जो है देश की इंटीग्रिटी के लिए कम्यूनल हारमोनी बनाए रखना जरूरी है तो इस मीटिंग में जो है वो महाराजा ऑफ अलवर और भरतपुर को भी बुलाया गया और क्योंकि महाराजा ऑफ अलवर के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर खरे उनको भी उस मीटिंग में बुलाया गया लेकिन उस मीटिंग में जो है डॉक्टर खरे का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा रिजेंटमेंट वाला था कि भाई भारत सरकार की जो है वो इंटरफेरेंस अलवर स्टेट्स में नहीं होनी चाहिए तो इस वजह से भी जो है वो थोड़ा उन पर शक गहरा गया देन इन 1948 जो है आ, आ, मारा सॉरी महात्मा गांधी की जो है वो डेथ हो गई महात्मा गांधी का मर्डर कर दिया गया और उस टाइम पे जो है वो एलिगेशन्स लगे कि जो अलवर स्टेट जो है वो आ, इन्होंने भी जो है वो महात्मा गांधी की जो डेथ है उसमें कॉन्स्परेसी में वो हिस्सा रहे हैं तो सरदार पटेल ने अपने जो सेक्रेटरी थे वी पी मैनन उनको भेजा कि आप जो है वो आ, मौके पर जाइए और वहाँ पर डिसाइड करिए कि क्या सिचुएशन है तो सरदार पटेल के कहने पर वी पी मैन ने अलवर और भरतपुर का टूर किया एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये रिपोर्ट्स जो थी वो थोड़ी एक्जिजरेटेड थी लेकिन कम्युनल सिचुएशन अलवर में इस प्रकार की है कि इसके जो है वो काफ़ी बुरे रिप्रकशंस हो सकते हैं काफ़ी इसका ख़राब माहौल हो सकता है और जो है वो दंगे काफ़ी बढ़ सकते हैं अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रही तो तो उन्होंने जो है वो उस टाइम पे ये समझा कि जो आपका अलवर और भरतपुर स्टेट जो है वो वहाँ पर जो रूलर्स हैं अगर वो कोई भी एक्शन लेंगे जो वहाँ की गवर्नमेंट है तो उसको जो है वो गलत समझा जाएगा या मिस इंटरप्रेट किया जाएगा इसलिए भारत सरकार का डायरेक्ट इंटरवेंशन वहाँ पे ज़रूरी है दिस वाज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ वीपी मेनन तो वीपी मेनन सरदार पटेल को ये कहा कि भाई जो डॉक्टर खड़े हैं इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए एज अ प्रीमियर और फिर उन्होंने जो है ये वाली बात आ, अलवर के महाराजा को बताई और फिर आ, अलवर के महाराजा को जब पहले ये वाली बात बताई गई तो थोड़ा सा उनको गुस्सा आया कि जो महाराज सॉरी महात्मा गांधी का जो असेसिनेशन हुआ है उसमें अलवर का कोई रोल नहीं है उनका ऐसा कहना था लेकिन क्योंकि इसकी एक जांच होनी चाहिए इसलिए इंक्वायरी सेटअप करी गई और आ, फिर जो है इन द व्यू ऑफ द कम्यूनल टेंशन इन अलवर एंड द एलिगेशन ऑफ कंप्लासिटी ऑफ द अलवर स्टेट पटेल एंड मैनन डिसाइडेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट शुड बी टेकन ओवर फोर्थ विथ यानी कि यहाँ का जो सत्ता है वो सीधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखी जानी चाहिए ये फिर 1948 यानी सेवन फरवरी 1948 को ये एक ऑर्डर पास कर दिया गया और महाराजा को बताया गया कि डॉक्टर खरे जो हैं वो अगले आदेश तक दिल्ली में स्टे करेंगे यानी कि ये अलवर नहीं जाएंगे तो इस तरीके से जो सेवन्थ फरवरी 1948 को जो है वो अलवर स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट वॉज डायरेक्टली टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अब हम बात करते हैं कि भरतपुर का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार ने अपने अंडर कैसे लिया तो जो मुस्लिम्स जो हैं अलवर भरतपुर क्षेत्र के इनके मिस ट्रीटमेंट या एल ट्रीटमेंट की खबरें तो उस टाइम पे थी रिपोर्ट्स एंड देर वॉज इंस्टांसिस ऑफ ट्रेन लूट ऑल्सो इन द स्टेट टेरिटरी यानी कि हालात जो है वो थोड़े ख़राब थे तो महाराजा ऑफ भरतपुर जो है वो खुद महाराजा ऑफ ग्वालियर के साथ मिलके ये दोनों आपस में अच्छे फ्रेंड्स थे महाराजा ऑफ ग्वालियर और महाराजा ऑफ भरतपुर तो इन दोनों ने मिलके जो है वो सरदार पटेल से बात करी और सरदार पटेल के कहने पे वीपी पी मैनन ने जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भरतपुर स्टेट है वहाँ पर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है और हमारे पास जो है वो कोई चारा नहीं है तो इट विल बी बेटर कि भारत सरकार जो है वो भरतपुर को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लें तो मैंने ने जो है इस वाली चीज़ से सहमत थे एंड महाराजा वो भरतपुर के कहने पे उन्होंने जो है वो भरतपुर को डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ले लिया फिर करौली और भरतपुर की बात करते हैं तो धौलपुर और करौली जो है वो नज़दीक नज़दीक वाले थे और अलवर और भरतपुर से इनकी सीमा लगती थी तो इट वॉज़ नेचुरल की जो है वो इन चारों स्टेट्स का एक साथ मर्जर कर दिया जाए दैट वॉज द थाट प्रोसेस एंड द फोर रूलर्स बिकॉज ऐसा लगा कि ये चारों राज्य जो हैं वो लगभग काफ़ी इनमें सिमिलैरिटीज़ है लैंग्वेज की सिमिलैरिटी है कल्चर की सिमिलैरिटी है और जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो डेमोग्राफी है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है इसलिए इन चारों स्टेट्स के महाराजाओं को जो है वो ट्वेंटी सेवन फेबररी नाइनटीन फोटी एट को दिल्ली बुलाया गया और इन चारों स्टेट्स के मर्जर का या इंटीग्रेशन का प्रस्ताव जो है उनके सामने रखा गया सो so, ये चारों स्टेट्स के जो महाराजा थे ये एग्री कर गए एंड इट वॉज मेड क्लियर इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन की अगर बाद में जरूरत पड़ती है तो ये जो मत्स्य संघ जो होगा या जो चार स्टेट्स का जो मर्जर हो रहा है इसको या तो राजस्थान या यूनाइटेड प्रोविंस जो बाद में बनने वाला होगा उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा तो जो प्रोविजन है वो पहले से ही रखा गया ओके okay. तो इस तरीके से जो है वो आपका मत्स्य यूनियन का आ, फॉर्मेशन हुआ और के एम मुंशी जो उस वक्त के पॉलिटिशियंस थे या मिनिस्टर थे उनको जब ये वाली बात बताई गई कि इस तरह से जो चार स्टेट्स का मर्जर किया जा रहा है तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि क्योंकि पुराने टाइम में जो महाभारत में इस क्षेत्र को मत्स्य यूनियन कहा गया है इसलिए इसका नाम जो है वो मत्स्य संघ रख दिया जाए या मत्स्य यूनियन जो है वो रख दिया जाए तो उन्हीं के सजेशन पर जो है वो आ, ये सजेशन रूलर्स को बताया गया और इस यूनियन का जो नाम है वो मत्स्य मतलब यूनियन रखा गया और यहाँ के जो महाराजा धौलपुर के जो थे वो सबसे एजिड थे एज में सबसे ज़्यादा थे सबसे सीनियर थे इसलिए उनको जो है वहाँ का राज प्रमुख बना दिया गया एंड ट्वेंटी एट्थ 1948 नाइनटीन फोर्टी एट को जो है वो उन्होंने भारत सरकार के साथ संधि कर ली द कोवीन वॉज साइंड बाई ऑल द फोर रूलर्स एंड द वी पी मैन ऑन द बियाफ ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एंड एटीनथ मार्च 1948 को उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ वर्क्स माइंस एंड पावर थे एन वी गाड़गिल उनके द्वारा जो है इस यूनियन का इनाग्रेशन किया गया एंड जो नया यूनियन बना था उसका एरिया था सेवन फाइव एट नाइन स्क्वायर माइल्स लगभग जो है वो अट्ठारह लाख ,00 की पॉपुलेशन थी एंड एक करोड़ तेयासी लाख का उस वक्त का रेवेन्यू था और फाइनली मत्स्य यूनियन जब ओवरऑल वृहत राजस्थान बन गया या ग्रेटर राजस्थान बन गया तो 1949 में मत्स्य यूनियन को राजस्थान के साथ मर्ज कर दिया गया और उस तरीके से जो वर्तमान राजस्थान जो है वो आपका देट कैम इन टू एग्जिस्टेंस सो नाइनटीन फोर्टी के टाइम पे जब मत्स्य यूनियन बनाया गया था तो उस वक्त सिचुएशन जो है वो कुछ मैप में इस प्रकार की दिखती थी कि राजस्थान का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है अलवर भरतपुर धौलपुर करौली जो है वो ये मर्ज करके और मत्स्य यूनियन का गठन किया गया सो थैंक यू सो मच गाज फॉर वॉचिंग द वीडियो and i hope that this video is helpful for your exam preparation and uh, in the upcoming videos in this series i will also be telling the process through which the first uh, the smaller princely states they were merged and the formed the first rajasthan and then the uh, greater or the so thode bade jo states the jaipur jodhpur बीकानेर जैसलमेर उनका जब मर्जर करके जो फर्दर प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग वीडियोज़ थैंक यू सो मच हैवे नाइस डे